أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज हम आप सभी के बीच राजस्थान से एक अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। राजस्थान की चुनावी दंगल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अब मैदान में उतर चुकी है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि राजस्थान के दौरे पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने वहाँ के कई नेताओं के साथ मुलाकात की और आने वाले विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की कामयाबी को लेकर वो चर्चाएँ करते हुए दिखाई दिए। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के राज्य मंत्री और कांग्रेस पार्टी के एक बड़े विधायक ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ मुलाकात की और ये मुलाकात 2 घंटों तक चली और ये मुलाकात एक बंद कमरे में चली जो काफ़ी आने वाले इलेक्शन को लेकर मजलिस का पक्ष मजबूती के साथ यहाँ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ाती हुई ये बातचीत देखने को मिली। क्योंकि अशोक गहलोत के जो राज्य मंत्री थे राजेंद्र सिंह ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ मुलाकात की और आने वाले विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का पक्ष जाना और उनकी पार्टी के साथ अलायंस करने के लिए तैयार रहे। क्योंकि आज जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो मजलिस के आने से यहाँ पर खलबली उनके खेमे में मची हुई है। क्योंकि मजलिस के आने से ये दोनों पार्टियाँ यहाँ पर कमज़ोर नज़र आ रही है। मुसलमानों की क़यादत को मजबूत बनाने के इरादे से अब जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मैदान में उतर चुके हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में इंशाअल्लाह ताला ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यहाँ पर अपने नुमाइंदों को मैदान में उतारेगी और एक नई राजनीति को यहाँ पर जन्म देगी। तो आप सब मिलकर ऐसे ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का साथ देकर मजलिस को आगे बढ़ाएं और मजलिस से जुड़े रहें। मजलिस से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर को देखने जानने पहचानने के लिए बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर